उस आप कह रहे हैं कि वो काम पूरा हुए अगर नहीं हुआ तो जैसा आंदोलन चला था वैसा अभी वैसा दोबारा हो सकता है। अभी एक दिन का रहेगा और उसके बाद में हम पूरे देश भर में जाएंगे। अच्छा, केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बात करें क्योंकि चुनाव मंच पर आप आमंत्रित हैं, तो जो गन्ने का मुद्दा है इसको लेकर के सरकार खूब प्रचार कर रही है कि हमने उतना भुगतान किया जितना पिछली दोनों सरकारों ने मिलकर नहीं किया। मतलब गन्ने का रेट बढ़ा नहीं, भुगतान ज्यादा कर दिया, ये तो आप भी पूछ सकते हो ना इनसे। वो कह रहे 35 रुपए शायद। गन्ने का रेट बढ़ा नहीं और भुगतान ज्यादा कर दिया तो कहां से कर दिया भाई? पहले साल वो कहते हैं हमने 10 रुपए क्विंटल बढ़ाया था, पांचवें साल में 25 रुपया शायद बढ़ाया, टोटल 35 रुपया। 35 रुपए बढ़ाया, अखिलेश यादव ने 65 रुपए बढ़ाया, मायावती ने 120 रुपए बढ़ाया। इन्होंने 35 रुपए बढ़ाने के बाद में सबसे ज्यादा भुगतान कर दिया, कौन सा फार्मूला है भाई? इनसे जरा कागजों पर तो निकलवा लो। मतलब झूठ बोलने में नंबर एक पे है। नहीं, वो कहते हैं जो सालों साल पेंडिंग पेमेंट रहती थी किसान की, वो पेमेंट हमने उसको गलत चीज कर रही। अब दूसरे पार्टी की सरकार किसी की आ जाइयो, मार्च के बाद में 10,000 करोड़ रुपया फिर भी रहेगा और वो कह ले जी हमने भुगतान कर दिया। मुद्दा यह है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होता है, 14 दिन में गन्ने का भुगतान होता है, तो आप 14 दिन में गन्ने का भुगतान करवाओ। इशू यह है हम तो 5 दिन में, आज के रेट में 5 दिन में 200 करोड़ रुपए का गन्ना हर रोज 200 करोड़ रुपए का गन्ना शुगर फैक्ट्री को देते हैं। 5 दिन में 1,000 करोड़ रुपया का गन्ना हम शुगर फैक्ट्री को देते हैं। अगर वो 14 दिन में भुगतान होगा तो रूटीन में आ जाएगा। नहीं, वो तो गन्ना मंत्री का दावा कर रहे हैं कि गन्ना मंत्री से एक सवाल के 12 से 16 दिन के अंदर पेमेंट हो रही है। झूठ बोल रहे हैं। गन्ना मंत्री से ये कर लो कि उन्होंने जो पिछले साल गन्ना डाला था उसका भुगतान हो गया क्या? अगर गन्ना मंत्री का भुगतान हो गया हो तो पूरे प्रदेश का हो गया भुगतान। मतलब गन्ना मंत्री स्वयं का, उनके खुद के स्वयं का, खुद का जो उसका गन्ना डाला, उसके भाई ने डाला, उसके परिवार ने डाला, उसका भुगतान हो गया क्या पिछले साल का? इस साल का नहीं, पिछले साल का, अभी फरवरी मार्च तक का उनका भुगतान हुआ है फरवरी का। तो आप कह रहे हैं एक साल पीछे चल रहा है पूरा, एक साल पीछे चल रहा है। आप पूछ लो ना गन्ना मंत्री से। नहीं तो ये ऐसी ये परेशानी किसान, गन्ना किसान की खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे पहले प्रदेश में ये पहले से है, इनके दौर में ज्यादा हुई है या कम हुई है? इनके दौर में भी है, पहले से भी रही, इसमें कुछ बेहतरी भी नहीं हुई इस बार? इसमें कोई बेहतरी नहीं हुई, जो रूटीन पहले से चल रहा वही है। पहले कुछ ठीक था, मायावती वाले टाइम पे कुछ ठीक रहा, अखिलेश के टाइम पे उससे कुछ ठीक रहा, आपके वाले में कुछ फैक्ट्रियां तो ऐसी हैं कि एक एक साल का भुगतान उन्होंने रोक रखा। कुछ फैक्ट्रियों के नाम गिनाते हैं, चीनी मिलों मोदी, की हमने मोदी उन पे, वाले हैं वो कहते हैं चीनी मिलों पर हमने उनके रिकवरी कराई है। कुछ नहीं करा, कोई रिकवरी नहीं है। बजाज शुगर मिल है, बजाज का नाम लेते हैं, बजाज का है, मोदी वाले हैं और है कई फैक्ट्रियां हैं। ठीक है सब, आखिरी कुछ एक सवाल आपके लिए, एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई पीछे, उस पर मैं आपका प्रतिक्रिया चाहूंगा, फिर वही चुनावी बात में कर रहा हूं। नरेश जी का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि ये जो उम्मीदवार है इनका साथ दो भाई, और उसके बाद लोग घर पे आते हैं वहां जी, आपके यहां पे भी सारे पार्टी के लोग आपके मंच पे बैठे हैं, आपके यहां आते हैं तो आप उसको ये थोड़ा कहते हो कि भाई हम आपसे बात नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे। वहां पे घर वो खाप पंचायत का घर है, वहां पे सब जातियां वहां पे रहती है, सब लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां पे आते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का यहां बैठा, दूसरे वाले का दूसरी जगह बैठा उसी घर में जी। वो एक जगह भी नहीं आते, एक जगह बैठ भी जाते हैं तो सब यही तो कहते हैं उनको कि भाई जाओ, सब साथ ही में ही हैं। सब साथ का मतलब ये नहीं कि हम सब साथ में हैं, उसका मतलब ये नहीं होता। तो फिर उनको उनको अगले दिन ये क्यों कहना पड़ा कि मैं ज्यादा बोल गया था? हमने ये कहा कि एक विचारधारा के लोग होंगे वहां पे, हजारों आदमी एक तरह के आगे, तो उन्होंने कहा भाई जाओ अपना काम करो, हम तो सब साथ ही हैं, चलो अपना काम करो। संजीव बालियान जी की फोटो जो आई थी, सब आते हैं कोई, उससे कोई प्रभाव पड़ा क्या वहां पे? सब लोग आते हैं वहां पे, अभी भी रोज जा रहे, कोई आप पार्टी के जाएंगे, कोई दूसरे वाला जाएंगे, कोई कांग्रेस वाले जाएंगे, समाजवादी वाले जाएंगे, लोकदल वाले जाएंगे, बीजेपी वाले भी जाएंगे, आज भी जा रहे होंगे। तो वहां पर जाओ, वो सार्वजनिक घर है, उस घर में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, वहां पे सार्वजनिक घर है, खाप पंचायत का घर है, सब लोग जाने चाहिए वहां पे। और जिस किस्म की चुनावी बयानबाजी वेस्टर्न यूपी को लेकर के हो रही है, और कोई 80-20 कहता है, कोई कहता है कि 80 जिन्ना वाले हैं, 80 जो है, यही तो 80 जो है, तो है वो। सर मैं इसका ये मॉडल नहीं चलने का, इस मेरी बात पूरी हो रही है। अभी जो 80-20 वाला है, स्वतंत्र देव जी का ही था वो बयान कि 80 जो है वो तो संविधान मानने वाले हैं और 20 वो है जो जिन्ना को मानने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि वो मॉडल इनका चलेगा नहीं, वो मॉडल पुराना हो चुका, 20 साल पुराना मॉडल है,
वो गाड़ी इनकी स्टार्ट होने वाली नहीं है। गांव के लोग तैयार बट्टे, ये जैसे ही उसको धक्का मारेंगे रिस्टार्ट करेंगे, वो तुरंत उस पर पानी डाल देंगे, वो उसको जलने नहीं देंगे। तो जाट जाट मुसलमान वाला जो एंगल चलाया जा रहा है, जाट नहीं है ना, एक जातियां हैं, डोमिनेंट वोट है ना, वो मुद्दा चलेगा ही नहीं। कितना ही उसके होल्डिंग लगाओ, कितना ही चलाओ, कितना ही चलाओ, 20 साल पुराना खटारा गाड़ी होगी। नया मॉडल लेकर आना पड़ेगा, विकास का इशू लेकर आना पड़ेगा, हॉस्पिटल लेकर आने पड़ेंगे, स्कूल लेकर आने पड़ेंगे, ये लेकर आना पड़ेगा। वो मॉडल चलेगा ही नहीं इनका। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात कह रहे, लेकिन जात पात पे वोट वोट पड़ते हैं हमारे, ये सच्चाई है, ये तो सच्चाई है। नहीं नहीं, गिरवा लो वोट, जात पात पे गिरवा वोट खूब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।